हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत है आरजे क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए है यूके पीसीएस के जो एग्ज़ाम है आने वाले, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पटवारी लेखपाल है, कॉन्स्टेबल पुलिस का है, और SI वन आरक्षी जो कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम जो कि यूके पीसीएस अभी कंडक्ट कराने वाला है ग्रुप सी के, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हमारी ये क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे और किस तरीके से आने वाला समय आपका एग्ज़ाम तक का है उसमें हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, इन सभी चीज़ की हम डिटेल में जानकारी आज देंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूके SSC के जो भी सारे एग्ज़ाम थे वो निरस्त करके यूके PCS को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं सभी वो यूके PCS कराने वाला है। तो यहाँ पर जो यूके PCS आपको एग्ज़ाम कराएगा उसका जो सिलेबस है वो सभी सिलेबस यूके SSC की तरह रहने वाला है, और इसका जो पैटर्न है वो भी यूके SSC की तरह ही रहने वाला है। तो यूके SSC का जो पैटर्न था उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो पैटर्न आपका रहने वाला है, इसमें आपकी सबसे पहले हिंदी आने वाली है जो कि आपकी 20 मार्क्स की होगी और 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका GS आने वाला है, सामान्य ज्ञान, ये 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और उसके बाद आपका आने वाला है उत्तराखंड, और ये भी जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में आज चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन में, कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड की बात सबसे पहले करता हूँ। तो उत्तराखंड के लिए अगर हम देखेंगे, तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप उसको प्लेलिस्ट पर जाके देख लेना। उत्तराखंड का भूगोल वहाँ पे मैंने कंप्लीट करा रखा है, साथ ही मैं उत्तराखंड का जो सांस्कृतिक है वो भी मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना, वहाँ से आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं GS के बारे में। तो GS यहाँ पर सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि जो उत्तराखंड PCS है वो GS को बहुत अच्छा देता है, और यूके SSC का जो पैटर्न एग्ज़ाम का लेवल था उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि अच्छा कहने का मतलब है कि जो टू द पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आपको GS पर ज़्यादा फोकस करना है। उत्तराखंड आप सभी की अच्छी होगी मुझे आशा है, लेकिन यहाँ पर GS में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर GS में मल्टी सब्जेक्ट है, मल्टी सब्जेक्ट में से मल्टी क्वेश्चन है, तो उन सभी क्वेश्चन को और उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट का टास्क रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर GS पर कैसे फोकस कर सकते हैं, GS पर अपनी कमांड कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो हम GS की अगर हम बात करें, तो GS में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको GS में देखना है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री आपको देखनी है। दूसरा आपको यहाँ से पूछा जाएगा भूगोल। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है अर्थशास्त्र, और चौथा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, और पांचवा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है रीजनिंग का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, छठा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है कंप्यूटर का, और यहाँ पर जो आपका सातवां सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका पॉलिटी, हाँ, राजनीति विज्ञान, राजनीति का, पॉलिटी का आपका रहने वाला है। तो अगर इन सारे सब्जेक्ट की बात करें, तो बहुत सारा इनका सिलेबस है, बहुत सारी डिटेल में हमको इनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इतिहास की बात करें, तो इतिहास को मैंने अपने इसी चैनल पर करा रखा है, जिसमें कि मैंने प्राचीन इतिहास आपको प्राचीन इतिहास की वीडियोस दे रखी हैं, साथ में आपको मध्यकालीन इतिहास की भी वीडियो दे रखी हैं। लेकिन अभी तक इसमें मैंने जो आपका आधुनिक भारत है वो नहीं पढ़ाया है,
तो इस क्लास को मैं कंडक्ट कराऊंगा अभी आने वाले कुछ समय में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनमें आप देख लेना। साथ में मैंने इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास एक अच्छा खासा पोर्शन है जिसमें कि आपको 5 से 6 टॉपिक हैं, तो वो विश्व का इतिहास भी मैंने वहाँ पर वीडियोज़ डाली हैं, 5 से 6 वीडियोज़ हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, 5 से 6 वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें मैंने आपको 1-2 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। यहाँ पर आपको 6 से 7 यूनिट हैं आपकी, तो इन 6 से 7 यूनिट में से मैंने आपको 2 यूनिट कम से कम कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेना। आज जो हम बात करेंगे भूगोल की बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको भूगोल से शुरू करने वाला हूँ, तो हम सबसे पहले भूगोल को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान को। ये 2 सब्जेक्ट को मैं लेके चलूँगा और साथ में आपका रीजनिंग लेके चलूँगा और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्टों को सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि इतिहास और कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा मैंने करा रखा है, बाकी अब सबसे पहले भूगोल, करंट अफेयर, रीजनिंग और पॉलिटी, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इस तरीके से अपना GS को कंप्लीट कर लेंगे। साथ में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की भी आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, तो हिंदी के लिए भी आप टेंशन ना लें, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कराने वाले हैं। लास्ट टाइम हम देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में मैं आपको अलग तरीके से कराने की सोच रहा हूँ इसका, तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे, 1-2 महीना हो जाने दीजिए, जिसमें हम GS और हिंदी को देख लेते हैं। जैसे ही ये सब्जेक्ट थोड़ा कंप्लीट होने के ओर होंगे फिर हम यहाँ पर उत्तराखंड की ओर चलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भूगोल से। तो भूगोल में हम देखेंगे यहाँ पर मैं आपको जो भी यहाँ पर कराऊंगा वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी इस बात के टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरीके से कोर्स होगा। तो भूगोल में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पूछने वाला है भूगोल में, एक तो है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछने वाला है, और दूसरा भारत का भूगोल पूछने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं शुरू करने वाला हूँ विश्व का भूगोल, क्योंकि आपका पहले विश्व का भूगोल सिलेबस में दे रखा है, तो मैं विश्व का भूगोल आपको सबसे पहले कराऊंगा। तो विश्व के भूगोल में आज हम सीधे ही आज इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर से शुरुआत करनी है। तो भूगोल में हम सबसे पहले अगर हम टॉपिक शुरू करें तो भूगोल का सबसे पहला आपका है वो है विविध शाखाएं। विविध शाखाएं यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि भूगोल शब्द जो है वो कहाँ से आया है और भूगोल की डेफिनेशन क्या है, भूगोल के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या अवधारणा रही है, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक पर पढ़ते हैं। तो अगर हम भूगोल की बात करें तो ये जो भूगोल शब्द है, अगर हम इसकी शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है जियो और एक है ग्राफोस। अब ये जो जियो और ग्राफोस हैं ये दोनों ही ग्रीक शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भूगोल का यहाँ पर विस्तार हुआ है, सबसे पहले जानकारी मिली है वो यूनानियों से मिली है। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी या फिर भू, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अगर हम इसको देखें भूगोल का तो इसका मतलब बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल का जो मतलब बनता है वो बनता है पृथ्वी का वर्णन। अगर हम बात करें ये जो भूगोल शब्द है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया या फिर किस भूगोलवेत्ता ने दिया, तो इनका नाम है इरेटोस्थनीज,
ये जो शब्द नाम दिया भूगोल, ये किसने दिया सबसे पहले? इरेटोस्थनीज ने दिया। अब जब इन्होंने इरेटोस्थनीज ने भूगोल जो शब्द है इसको गढ़ा था, तो इन्होंने इनको इसीलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इन्होंने भूगोल को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, और इसके बाद एक व्यक्ति और आए जिनका नाम है इरेटोथस। सॉरी, हिकेटियस है इनका नाम, हिकेटियस। इरेटोस्थनीस के बाद हिकेटियस आए, जिन्होंने भूगोल को व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया, एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने का इन्होंने प्रयास किया, भूगोल को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया इन्होंने, तो इसीलिए इनको यहाँ पर भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीस को। भूगोल शब्द किस भाषा से का है? तो ये ग्रीक भाषा का है, यूनानी भाषा का है, तो जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अब ये जो हिकेटियस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इस बात को इन्होंने लिखी वर्णन किया था, भूगोल को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था। उस बुक का नाम है, इस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस, जस पीरियोडस, जिसका मतलब हिंदी में मतलब होता है, क्योंकि ये तो ग्रीक का वर्ड है जस पीरियोडस, और इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन नामक इन्होंने बुक लिखी थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जस पीरियोडस बुक किसने लिखी है, तो आप हिकेटियस वहाँ पर राइट आंसर देंगे। और भूगोल में व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीस को कहा जाता है, और साथ में भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देखेंगे। अगर हम भूगोल की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में कोई एक ऐसी निश्चित डेफिनेशन इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भूगोल के वेत्ता थे जिन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे कि सबसे पहले स्ट्रैबो आते हैं। स्ट्रैबो ने यह कहा था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें लोगों को आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ से हम महासागरों के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी में उपस्थित उन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है जिसको हम धरातल पर देखते हैं। तो ये स्ट्रैबो ने कहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और आए थे जिनका नाम है ऑथर होम्स, जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन किया जाता है जिस पर मनुष्य निवास करता है। और एक डेफिनेशन और है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का एक आभामयी विषय है, ठीक है, विज्ञान है। तो ये जो जानकारी है ये आपको अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशन है इनकी, जो कि अलग अलग व्यक्तियों ने दे रखी है, तो हमको इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। लेकिन आपको जो यहाँ का जो सबसे पहला टॉपिक था, विविध शाखाएँ, तो हम इसमें अब हम अपने टॉपिक पर चले जाते हैं। तो विविध शाखाओं में हम तीन टाइप की शाखाएँ यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक शाखा पढ़ते हैं इसकी, भौतिक भूगोल, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर आपका आता है मानव भूगोल, और फिर जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो फिजिकल भूगोल क्या होता है? फिजिकल जो शब्द है, एक भौतिक जो शब्द है, वो उस शब्द से ही इसका मतलब लगाया जा सकता है
कि जो भी चीज़ें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो जैसे कि इसमें हम देखेंगे स्थल मंडल, इस पर हम देखेंगे वायुमंडल, इसमें हम देखेंगे जल मंडल। तो इन तीनों मंडलों पर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि जलवायु है, मौसम है, आपका भूविज्ञान है, तो इन सभी की जो जानकारी मिलती है वो हमको भौतिक भूगोल में मिलती है। और इनके जो जनक हैं, भौतिक भूगोल का इनका अगर जनक पूछ लिया जाएगा आपसे, जनक, तो इनका नाम है पोलीडोनियम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल के जनक किनको कहा जाता है, तो पोलीडोनियम को कहा जाता है। इस भूगोल में हम स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल की जानकारी हम लेते हैं। साथ में यहाँ पर जैसे मृदा है, इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि आपका स्थलमंडल में ही आ जाता है। वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है, जलमंडल में समुद्र में महासागर होगी, आपके सागर होंगे, इन सभी की जानकारी हम जलमंडल पर लेते हैं। अगर हम मानव भूगोल की बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो मानव का जब विकास हुआ, मानव एक सबसे पहले जब पृथ्वी पर आया था तो एक वानर के रूप में था, कपि के रूप में था। तो वहाँ से लेके अभी तक जो अभी वर्तमान में हम मानव हैं वो है होमोसैपियंस। जो पहले जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी वानर से, उसको हम बोलते हैं रामापिथिकस। ये मानव का नाम है जिसमें मनुष्य एक वानर के रूप में था, जिसमें इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो बिल्कुल टेढ़ी थी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी। और धीरे धीरे करके इसका विकास होने लगा, और जब पूरा ये विकसित रूप पर आया, तो अभी हम जो मनुष्य हैं उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसैपियंस है, जिसमें इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी हो चुकी है। तो मानव का विकास किस तरीके से हुआ, मनुष्य ने अपने किस तरीके से इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई, समय के साथ किस तरीके से इनकी जनसंख्या वृद्धि हुई, समय के साथ इसने किस तरीके से ये सामाजिक होने लगा। पहले आपको पता होगा कि ये जंगलों में रहता था, और फिर किस तरीके से इसने अपने समाज में आया, किस तरीके से इसने यहाँ पर अपना राजनीति का विस्तार किया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं मानव भूगोल पर। तो अगर हम इनके जनक की बात करें, जो मानव भूगोल है इनका जो जनक है उनको कहा जाता है कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर को यहाँ पर मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर हम प्रादेशिक भूगोल में बात करें, तो इनके जनक को भी कार्ल रिटर ही कहा जाता है, यानी कि मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दोनों के जनक यहाँ पर कार्ल रिटर को कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल का मतलब यह है कोई ऐसा भूखंड जिसकी एक विशेष संरचना होती है, एक विशेष उसका भूगोल होता है, उसको हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। जैसे कि हम भारत की बात कर लेते हैं, या फिर उत्तराखंड की ही बात कर लें, तो उत्तराखंड का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है, उसका यहाँ पर नदियाँ होगी, उसका भौगोलिक विस्तार हो गया, वो अलग डिफरेंट तरीके का है। यहाँ की जो वन है और यहाँ के जो जल संसाधन है वो हर अलग है अन्य राज्यों से, जैसे कि। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं प्रादेशिक भूगोल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारा विविध शाखाएँ हैं, पहला टॉपिक जो भूगोल का है वो हमारा हो जाता है कम्प्लीट। इस पर हम डिटेल पर हम जानकारी कब लेंगे, जब हम इनको अलग अलग टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम विश्व के भूगोल पर और आगे को जाएंगे, तो हम वहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे एक एक करके। स्थलमंडल भी पढ़ेंगे, वायुमंडल जलमंडल भी पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हम जनसंख्या, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल में हम यहाँ पर सीमाओं की बात करेंगे, ठीक है, सीमाओं की, हमारे देश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, हमारे राज्य की सीमा कितने क्षेत्रों से लगती है, और विभिन्न जो देश हैं उनके मध्य कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो उन सभी जानकारी की हम यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल पर लेंगे। तो आज की वीडियो पे इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा आप भी होमवर्क पर देख लेना।
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो इसका दूसरा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर सिद्धांत थे जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको फीडबैक, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है जो कि आपको मैं फेस टू फेस करा रहा हूँ, तो फीडबैक आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी, कैसी आपको क्लास लगी, टॉपिक कैसा था। तो आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।